भगवान पे विश्वास, बोल दिया तो बोल दिया। भारती जी चलो भाई सर, ये कौन है सर? गरम मुंडे। हां हां और पीछे, अरे पूरा पीछे आ जा, आ जाइए पीछे लो, पीछे लो। राकेश हां सर, ले लो। राकेश भाई ग्रुप बड़ा हो गया, ऐसे हीरोइन बन गई, टाइम टेबल हो गया ना। क्या इधर सेंटर में बोलता हुआ इधर राजधानी दबे सोका साउंड कर, लेकिन ये बहुत बढ़िया कर। क्या इधर शेडिया बोलता हुआ बीच सेंटर बोलता हुआ इधर वन मोर। सर उधर उधर आ जाते हैं, हाँ उधर आ जाते हैं। मैम थोड़ा हमारी तरफ देखते हैं, मैम वीडियो में, मैम इधर इधर अरे स्टूडियो बना दे। मैम इधर सेंटर, मैम सुनील हमारे तरफ भी देखने जो है इधर देखिए ऑल ऑफ यू वन मोर। अरे इतना लाइट बंद है भाई, ओवर हो रहा है। ऊपर वाला कहा सुनता है। एक मिनट राजपाल भाई इधर देखे ना, कैमरा लुकिंग प्लीज प्रॉपर। वन मोर, एक लास्ट में भी पीछे आना थोड़ा। हाँ भाई पीछे एक फोटो ले लो। हाँ जी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, थैंक यू। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में, बुंदेलखंड रीजन में अपने बारे में ज्यादा बोल रहा है यार। ये शौक रहा है कि कोई स्टोरी में कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें कुछ जीने का मौका मिल जाए, तो वो स्टोरी का
का हिस्सा बनना अपना सौभाग्य समझता हूँ। और बाबू जी एक टिकट बम्बई, जिसका कि आपको टाइटल लगता है, आज आज मुंबई है हमारी, ये जिस समय को दर्शाती है और जिस परिवेश को दर्शाती है, आज पता क्या छोटी छोटी चीजों में, गांव में छोटे छोटे प्यार के माध्यम से, कभी बोलते हैं स्थितियों के माध्यम से, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों के माध्यम से, लेकिन सब में प्रेम छुपा होता है और सब में छुपी होती है कहीं न कहीं एक जीने की ललक। और सबके अंदर, चाहे वो किसी भी परिवेश के लोग हों, जिसको ए बी सी डी बोलते हैं ना, कि लोअर क्लास, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेट, तो ये फिल्म जो है एक पीढ़ी, जिस तरीके से एक परंपरा है, जिसने आज 2016 हम लोग बोलते हैं होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, जब पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग इस फिल्म के माध्यम से देख पाएंगे कि 2016 में भी भारत कैसा है और कैसा दिखता है और कैसे जीता है, ये उसको दिखाती है। और इसने मधु का कैरेक्टर जो है उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। हम यशपाल भाई, मुश्ताक भाई, जितने भी हमारे को आसपास आर्टिस्ट हैं, हम सब कहीं न कहीं उस लड़की के आसपास सब सपोर्टिंग भूमिका में हैं और कोशिश की है कि आपको ये फिल्म पसंद आए। बाकी तो जब फिल्म आप देखेंगे तो नंबर देने का आपको पूरा अधिकार है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब बारी है। नमस्कार दोस्तों, सबसे खास बात की ये है कि इसके जो प्रोड्यूसर हैं हमारे मुंद्रा साहब और पीयूष बाबू, ये मुझे लगी नहीं ये प्रोड्यूसर है। जब हम फिल्म बना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं बना रहे, अपनी खुद की फिल्म बना रहे हैं। इन लोगों के जिस तरह के वहाँ के हालात थे और जिस तरह इन्होंने हमको वेलकम किया है और जो इनका एटीट्यूड था और जिस तरह से हम इन्होंने हमको रिसीव किया और जिस तरह वहाँ रखा शूटिंग में, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रहा कि ये जो बुंदेलखंडी फिल्म है, मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये एक बड़ी खुशी की बात थी कि हम वहीं के रहने वाले हैं और बुंदेलखंड, और मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें उस भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है। मेरे एक दोस्त है, उनको वहाँ आ गए थे। अरे कक्का राजू, राजू दादा झुक जा। तो जो भी करेक्टर को जीने की कोशिश की है, और सबसे अच्छी बात जैसे कि अभी राजपाल ने बताई दिया, और ये फिल्म को देख कर ही आपको लगा कि इसकी कहानी क्या है, किस तरह से एक जर्नी है एक लड़की की, क्या होता है, और इसमें रियलिटी बहुत है, और खास करके इसमें फोक जो इस्तेमाल किया है सॉन्ग का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैं और उसमें जो कलाकार हैं सारे के सारे, मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला इसमें दिखाई है। राजपाल तो हैं ही हैं, यशपाल हैं, और हमारे अपने क्या नाम उनका, एहसान का, एहसान भाई हैं, और सब सारे अच्छे कलाकार हैं, दो हैं मिलिंद गुणा जी हैं यार, तो ये सारे कलाकार बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तो इन्होंने कलाकारों का जो चयन किया है, जो सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। और सबसे खुशी की बात मुझे, जब मैंने व्हाट्सएप पे ये मैसेज देखा कि इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी, आई एम सॉरी टू से, बट काफ़ी लंबा अरसा हो गया, हमने जब इसको शूट किया था भोपाल में, तो थोड़ा सा भूल सा गया था। और लेकिन मैं हमेशा जहाँ भी मुझे बात करनी होती थी सिनेमा की, और चाहे इंटरव्यू होता था या कहीं भी कुछ बात होती थी कि आप क्या क्या फिल्में कर रहे हैं, तो मैं इस फिल्म का नाम ज़रूर लेता था, और ये मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। क्या बात है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ फिल्में आपके जीवन में ऐसी होती हैं जो छू जाती हैं, जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। बहुत सारी फिल्में करते हैं, नाम तक भूल जाते हैं कि कौन सी फिल्म की है कौन सी नहीं। खास करके बड़ी बड़ी फिल्में हमको याद आती हैं, बड़े बैनर की फिल्में और बड़े स्टार्स के साथ फिल्में, तो वो फिल्मों का हमने ज़्यादा जिक्र किया। लेकिन ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस फिल्म का मैं हमेशा नाम लिया करता था, क्योंकि जब मैं शूटिंग कर रहा था तो मुझे बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि एक रियल कहानी थी और बड़े अच्छे लोग थे इसके प्रोड्यूसर। तो मेरी पूरी दुआएँ हैं इस फिल्म के साथ, और मैं चाहूँगा, यही कामना करता हूँ कि ये फिल्म, और बड़ी खुशी की बात है कि ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। बड़ा मुश्किल होता है, एक प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाता है, इतनी मेहनत, इतना पैसा लगता है, और उसके बाद इतनी सारी ऐसी फिल्में हैं जो पर्दे का मुंह नहीं देख पाती, लेकिन एक टिकट बम्बई, एक टिकट मिल गई है इसको, ट्रेन चलेगी और ज़रूर चलेगी और अपनी मंजिल तक पहुँचेगी, ये उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। Yeah.
बड़ी मुश्ताक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं तहे दिल से इस बात का सपोर्ट करता हूँ कि जब पहली बार ये स्टोरी हमारे पास आई तो मैंने पूछा ये फिल्म क्यों बनाना चाहते हो आप। आज कॉमर्शियल फिल्मों का इतना लैविश तरीके से फिल्मों का जमाना है, पर ऐसी फिल्मों पे रिस्क लेना, आपको अपने तन मन धन से इसकी सेवा करना, तो बाकी बधाई की बात है। मथुरा फैमिली पूरी के साहब और उनके बेटे पीयूष साहब, इन लोगों ने जिस इज्जत से हम कलाकारों को भोपाल में रखा, और जितने ऐसा लग रहा था कि इस हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्म बजरंगी भाईजान बन रही हो और पूरा परिवार एक एक कलाकार के खाने से लेके पीने से लेके बैठने से लेके, मुंद्रा साहब इतने सीनियर हैं, इनका इतना रिस्पेक्ट है भोपाल में, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म की बैक बोन बन के हमने इनको दौड़ते हुए देखा, ऐसी बधाई की बात है। और मैं हृदय से चाहता हूँ कि ये फिल्म चले, क्योंकि इस परंपरा को ला के देश के सामने रखना और क्या क्या अंदर लड़कियां झेलती हैं और किस तरीके से वो बाहर अपने सपनों को पाने के लिए क्या क्या अपनी दुर्दशा करवाती हैं, उसको एक बहुत ही सिनेमैटिक उसके साथ में एक इल्यूजन के साथ पेश करना, ये हिम्मत का काम है। और मैं इस परिवार का सच में शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीके की अगर जो सोच रखने वाले लोग होंगे तो 100% सिनेमा 3D हम लोग बोलते हैं तो बड़ा कॉमर्शियल सिनेमा भी चलेगा और ये इस तरीके का सिनेमा भी कॉमर्शियल का रिस्पेक्ट पा जाएगा, क्योंकि इस तरीके के लोग अपने देश में धीरे धीरे कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों को बनाने की का बीड़ा उठा लेंगे। बधाई के पात्र हैं। एक बार ये भाई ने बोला कि बचपन से हम देखते थे इनकी फिल्में, तो मुझे ऐसा लगा साला आज मुझे एहसास हुआ मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन चिंता मत करो, हॉलीवुड कहता है कि 40 साल के बाद एक्टर एक्चुअली पढ़ाई लिखाई से निकल के और 10 साल की जिंदगी देख के एक्चुअली जवान होता है, तो अभी तो हम जवान हुए हैं। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो आपका बचपन है ना, ये जवानी और बचपने का जो दौर है, पता नहीं कहां आपने बचा के उसको दबा के रख दिया है, वो दिखता ही नहीं। आपके बाल अभी तक सफेद नहीं हुए, हमारे हो रहे हैं। हम तो 77 में भी 27 का रहना चाहते हैं। सर आज से मैं आपको फॉलो करने चाहता था, आप ही जानते हैं। किसी का कैसे डाल सकते हो? एक फिल्म की थी, मैंने जब बनाने आया था बॉम्बे, समर, श्याम बेनेगल जी की, और सागर के पास शूटिंग थी और सचिन कहानी थी, बेडनी उसने थी काफी। जैसे मुझे ये फिल्म का ऑफर मिला तो मुझे, मैंने उस फिल्म से कनेक्ट किया और मैंने जाना, क्योंकि उस वक्त रघुवीर यादव सिन्हा, विश्वास, दिलीप कपूर, काफ़ी सारे लोग दत्ता वगैरह, और हम उस बारे में जान भी रहे थे, तो बड़ी जिज्ञासा थी कि कौन है क्या है। तो इस फिल्म में, क्योंकि वो बेडनी के ऊपर नहीं है फिल्म, लेकिन ये फिल्म बेडनी और उस माहौल के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि जैसे पीयूष भाई और इनके फादर जो हैं नोरा जी, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि हो सकता है बोलते हुए फंबल कर रहे हैं, हो सकता है इनका फिल्म रिलीज करने का तरीका वैसा ना हो जैसा ये चढ़ा चढ़ाया और फिल्मों का होता है, लेकिन इनके दिल में कहीं भी एक प्रकार की भी वो नहीं है, बहुत इतने साफ सच्चे दिल के लोग हैं। क्योंकि कमर्शियली जैसे मैं गेस्ट अपीयरेंस में रोल बहुत बड़ा नहीं है, तो जैसे मैं नीचे पहुंचा तो मैंने भी उससे पूछा मेरा रोल क्या है, इसमें नाम क्या था, मुझे बता दो, क्योंकि मेरे सभी नहीं याद है। मतलब मुश्ताक भाई कि उन्होंने बोल दिया कि हर जगह उनका नाम लेता हूँ, तो मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं था कि इतने, क्योंकि मेरे साथ कई टाइम हो गया था, तो मैंने पूछा कि मेरा रोल क्या है, फिर मुझे पूरा याद आ गया, जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे मुझे पूरा याद आया, अच्छा ये हमारी फिल्म वाली। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ों पर फिल्म बनाते हैं, मेरे ख्याल से ये श्याम बेनेगल जी की होगी, तो उसके बाद से और कोई फिल्म नहीं बनी, पहले का मुझे पता नहीं, उसके बाद से और कोई फिल्म नहीं बनी, अभी ये फिल्म भी बनी है, और हमारी सबकी दिली तमन्ना है, क्योंकि इतने इतने सीधे सच्चे लोग हैं, ये बिल्कुल सही ईमानदारी तरीके से रिलीज करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सहयोग चाहिए, क्योंकि बजरंगी भाईजान को तो आप करते ही होंगे हमेशा, वो तो यही, लेकिन कुछ ऐसे बजरंगी हैं जो
गांव में या छोटे छोटे शहरों में रहते हैं उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और मैं ये चीज बहुत फील कर पा रहा हूँ दिनों, क्योंकि मैं पंजाबी की कुछ अच्छी फिल्में और हरियाणवी की कुछ अच्छी फिल्मों की शुरुआत में जुड़ा हुआ हूँ मैं अभी, तो मैं जानता हूँ रीजन में लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है, उनको फिल्म हॉल नहीं मिलते हैं, उनको सिनेमा हॉल मिलने के लिए भी लड़ाई करनी पड़ेगी सर, तो बहुत लड़ाई बाकी है, फिल्म बनाना बहुत ईजी है लेकिन रिलीज करना बहुत मुश्किल है। और हैट्स ऑफ यू कि आप रिलीज कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और राजपाल ने इसमें काम किया है, राजपाल ने सही बोला एक बात कि एक लड़की की कहानी है, एक लड़की की जीवन की वो है यात्रा है, और उस यात्रा में राकेश जी नमस्कार वसीम भाई स्वागत है आपका। अब उसको क्या कर रहा हूँ, अरे ऐसा लग रहा गार्डन उठा रहे रुको ना, अरे थैंक यू सो मच सर। राजपाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जब ये टिकट ये फिल्म आपको ऑफर हुई और फिल्म का टाइटल सुनके क्या जहन में आया, क्या आपको अपनी यादें कुछ ताजा हुई जब आपने टिकट काउंटर पे कहा हो कि बाबूजी एक टिकट मुंबई? नहीं, ये फिल्म का जो सारांश है ना वो जैसे आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल अलग तरीके का है, और मैं मुझे ना क्योंकि मैं NSD पास आउट हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है 3D सिनेमा का हिस्सा होना, तो कभी कभी बहुत अच्छी कॉमर्शियल फिल्म में काम करता हूँ, कभी कभी बहुत एक अलग सेमी कॉमर्शियल में काम करता हूँ, और कभी कभी ऐसा जो हमारे भारत में अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, उस पर जब उसको कोई छूता है तो उसका भी हिस्सा होने में बहुत मज़ा आता है। तो ये बाबूजी एक टिकट बम्बई ये एक ऐसी विधा को आपके सामने दिखाती है जिसमें आप कहोगे कि 2016 में भी हम जहाँ पे कंप्यूटर एज में जी रहे हैं वहाँ पे ये स्टोरी बिल्कुल आज की डेट की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी कि इसी 2016 में हमारे भारत में ही ऐसे लोग भी जी रहे हैं। ओके, कहीं आपने ये भी कहा कि मैं फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, फिल्म की लीड अदाकारा वो पूरी फिल्म लेके जा रही है, ये लड़की के ऊपर इर्द गिर्द कहानी घूमती है और लड़की जो है इसका हिस्सा है, और ये जो एक बेरनी समाज को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग अपने अपने कैरेक्टर्स में इस विधा को सपोर्ट कर रहे हैं और उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने चरित्र निभा रहे हैं इसमें। आप अगर सोच रहे हो कि एक इस तरीके की फिल्म है जिसमें बोलते हैं ना कि एक रोमांटिक फिल्म है या ये एक कॉमेडी फिल्म है, या ये एक बहुत अलग तरीके की बोलते हैं ना एक इल्यूज़न है, एक रियलिटी का इल्यूज़न है जो आपको इस पर फिल्म के माध्यम से देखने को मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा, आप कुछ फ्रेशनेस देखने को मिलेगी। ओके, आपने कहा कि रोमांटिक फिल्म नहीं लेकिन जिस तरह के प्रोमो में जो हमने सॉन्ग्स में देखा है बड़ा रोमांटिक है, लव मेकिंग सीन भी होंगे, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। ये लव मेकिंग सीन इसमें हम हमेशा उस सिनेमा का हिस्सा होते हैं जिसमें कुछ ऐसा, इसमें कोई ये जो हमारा कैरेक्टर भी है वो गांव के उस जो बोलते हैं ना मोहल्ले के, जिसमें एक मोहल्ले का आज गली गली का जो प्यार देखने को शायद कभी कभी मिलता है लेकिन आज भी गांव में वो प्यार चलता है, ये उसको रिप्रेजेंट करते, बड़े छोटे लोग हैं ये, और ये अपने तरीके से हीरोज़ को फॉलो करते हैं, आपको अपने अगर उनको किसी से प्यार भी हो जाए तो वो अपने आप में हीरो नहीं देखते हैं, वो ये महसूस करते हैं हीरो ऐसा करता है इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, उस तरीके की। ओके, आखिरी सवाल आपसे, 2016 खत्म होने शुरुआत हो चुकी है, आधा साल गुजर चुका है, और किन किन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कितनी फिल्में आपकी पाइपलाइन? अभी लगभग फिल्में आप जो क्योंकि 2-3 साल से लगातार कंटेंट की तलाश में थे, एक अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी की तलाश में थे, लेकिन अब आप लोगों की दुआ से 6-7 फिल्में जो सब लीड में हैं और जो जिसमें 3 लगभग इंटरनेशनल हैं और 4 नेशनल इंटरनेशनल हैं, और
मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हम जिस सिनेमा की इमेजिनेशन करते थे धीरे धीरे उस सिनेमा का हमें हिस्सा होने का सौभाग्य मिल रहा है। और वही पिछले सालों में कुछ लोग जब आप लोग पूछते थे कि अभी फिल्मों में क्यों नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं दिख रहे हैं, कम क्यों नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चूँकि एक एक्टर हर साल ग्रो करता है, हर साल हर डे एक लर्निंग डे होता है। अब जो जिसमें एक फायर फाइटर है, RSVP गार्ड है, एक नाड़ा पांडे है, एक टचवुड है, तो इस तरीके की जो फिल्में हैं जिसमें कोई फिल्म जंगल को रिप्रेजेंट करेगी तो कोई फिल्म जो है किसी अलग कल्चर को, लेकिन सब ह्यूज फिल्में हैं, बिग फिल्में हैं, और मुझे भी उसका एक मुख्य किरदार के रूप में सौभाग्य मिला है हिस्सा होने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। बल्ले बल्ले। आपको हमेशा आपके फैन ने कॉमेडी की तरह से देखा, आपको एंजॉय किया कॉमेडी, लेकिन ये थोड़ी इमोशनल मूवी लगी, उसमें कुछ कॉमेडी देखने को मिलेगा आपके फैन? आपने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ देखी होगी, आपने मैं मेरी पत्नी और वो देखी होगी, आपने अंडर ट्रायल देखी होगी। हम मनोरंजन करने वाले लोग हैं, हमें कभी कभी सीरियस मनोरंजन करने का मौका मिलता है उसमें भी प्राउड फील करते हैं, और कॉमिक मनोरंजन करने का मौका मिलता है उसमें भी प्राउड फील करते हैं। हम अपने आप को किसी एक लाइन में कभी नहीं बांधना चाहते, और जो लोग बांधने की कोशिश करते हैं हम उसको ब्रेक कर देते हैं। देखिए, मैं इस फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है और एक रियल समस्या जो हमारे देश में इस समय प्रचलित है, प्रेवलेंट है, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है कि किस तरह से लड़कियां छोटे शहरों से या तो खुद भागती हैं या उनको बरगलाया जाता है या बेचा जाता है उनको, और वो किस तरह से गलत धंधे में पड़ती हैं और कैसे एक्सप्लॉइट होती हैं समाज के द्वारा, ये इस फिल्म का वो है। और इसमें जो लोग इनको एक्सप्लॉइट करते हैं वो इनकी सेहत का भी ज़्यादा ख्याल नहीं करते, इनको जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत सारी ढेरों लड़कियां एक कमरे में बंद भर दी जाती हैं और उनसे काम करवाया जाता है, तो उस माहौल में बीमारियां भी पलती हैं। तो मेरा रोल एक डॉक्टर का है जो यहां पर आता है और इनकी हेल्प करता है, वो बड़ा सख्त किस्म का डॉक्टर है, लेकिन फिर एक पॉइंट पर एक लड़की के लिए उसका दिल पसीजता है और कैसे उसको सलाह देता है, वो ठीक करता है, उसको वहाँ से निकालता है, ऐसा एक अच्छा रोल। अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।